राजधानी लखनऊ में बंद घरों और दुकानों का शटर काटकर चोरी करने वाले गिरोह का गुडम्बा पुलिस ने उत्तरी जोन की सर्विलांस टीम की मदद से पर्दाफाश किया। आपको बता दें, पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को अरेस्ट कर सोने चांदी के आभूषण समेत कई सामान बरामद किए। दरअसल गिरोह बनाकर वारदातों को शातिराना अंदाज से देते थे अंजाम। मासूम अली उर्फ इमरान उर्फ चांद बाबू, सूरज कश्यप और हबीब उर्फ सैफ खान को किया गया गिरफ्तार। 29/8/2024 को मुखबिर खास सूचना पर लगभग रात के 11 बजे के आसपास 3 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सूचने पर उनको और उनका तलाशी करने पर यह समझ में आ गया कि ये तीनों बहुत शातिर चोर हैं, जो लगातार गुडम्बा, सैरपुर, मड़ियाँव, बिजनौर और अन्य जगहों पर, लखनऊ के विविध जगहों पर बंद मकानों में ताला तोड़ के प्रवेश करके चोरी कर रहा था। तो इनसे और गहराई से पूछताछ करने पर यह पता चला, उनका टारगेट ये था कि जो न्यूली डेवलपिंग एरिया था, जहाँ पर ज़्यादातर लोग शहर के अंदर काम कर लेते हैं और सुबह के टाइम पे घर पे नहीं रहते हैं, उनका घर खास तौर से चिन्हित करके उसमें ताला तोड़ के लोहे का रॉड के साथ या प्लायर्स के साथ जो भी साधन मिलता था उससे ताला तोड़ के घर के अंदर जाके कीमती सामान, केवल जेवरात और कैश, कोई और ज्यादा चीज नहीं चोरी करता था, ये केवल जेवरात और कैश और कुछ शौकीन चीज जो उनको शौकीन लगता है लेके गया। तो जैसे कुछ शौकीन चीज भी इनके द्वारा चोरी करता था। तो प्रस्तुत तीनों अभियुक्त का पहचान ऐसा है, मासूम अली उर्फ इमरान, सूरज कश्यप पुत्र रामू कश्यप, हबीब उर्फ सैफ का पुत्र मोहम्मद अली। तीनों हाल में लखनऊ की अलग अलग जगहों पर किराए के मकान पर रह रहा था। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा अभियोग पहले भी कर चुका है और कई बार जेल भी जा चुका है। इन तीनों का दोषी या गिरोह का शुरुआत भी जेल से ही हुआ है, जिसमें तीनों लोग जेल के निकलने के बाद एक साथ काम करने का तय किया गया था। आज इन तीनों को न्यायालय के सामने पेश कराकर पुलिस द्वारा आवश्यक विधि कार्रवाई किया जा रहा है। अभी तक जो हम लोगों का पूछताछ में ये सामने आया है कि तीनों लोग लखनऊ में ही हाल पता में किराए पर मकान पे रह रहा था और लखनऊ की विभिन्न जगहों पे उनके द्वारा ये घटना कार्य कर रहा था। ये अभी स्पष्ट कराना शेष है, जैसे मैंने बताया कि और भी घटना इनके द्वारा कार्य करने का संभावना है, तो इस केस में हम पुलिस कस्टडी रिमांड में लेके और गहराई से पूछताछ किया जाएगा। पासपोर्ट का आरोपी है, दूसरा लूट का है, कितना चोरी का है, जेल में मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद आखिर गिरोह बनाया, गिरोह में 3 लोग हैं या अन्य लोगों को भी शामिल किया? इसमें जितना जैसे 7 मुकदमा का खुलासा आज हुआ है, इसमें लगभग सब जगहों पे इनका सीसीटीवी फुटेज आने जाने और कार्य घटना कार्य करने का है, जिसमें से ये स्पष्ट है कि ये तीनों लोग इस गिरोह में संबंध है। और इसमें जो पूछताछ हम लोग के द्वारा किया गया, तो इसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि जब जेल में एक बार चला गया तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था पैसा बनाने के लिए, इन्होंने सोचा सबसे आराम से काम, सबसे ईजी वे टू मेक मनी क्राइम है, और इसीलिए वो बंद घरों में चोरी करने का प्लान किया। जैसे आप देख सकते हैं कि मासूम अली के खिलाफ पहले से ही बहुत ज्यादा चोरी और नकबजनी का मुकदमा है। ये एक तरह से अगर देखा जाएंगे तो ये घर में चोरी करने के एक्सपर्ट है, तो इनके इशारे पर और इनके नेतृत्व में ये गिरोह काम कर रहा था। चोरी करके यहीं रहते थे या कहीं बाहर चले जाते थे? नहीं, ये लखनऊ में ही किराए के मकान पे रहते थे। सर, इसमें सवाल ये है कि पुलिस को धमकी देने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फिर लेकर के भागा था, तो वो मोटरसाइकिल आखिर किसकी रही कि आज में कुछ लाख होगा? बिल्कुल, हम उसका ओनर को ट्रेस करा के दाखिल करके उसको उनके तक वो पहुंचा रहे। और भी इन्होंने हेलमेट जो एक घटना से उन्होंने जो चोरी किया वो हेलमेट के भी प्रयोग कर रहा था। दोनों है, सीसीटीवी में भी ये लोग कई जगह पे कैद हुआ है, और जो चोरी का सामान इसके जो मोटरसाइकिल और इनका जो द्वारा प्रयोग हेलमेट है उससे भी इनका पहचान है। जो ये चोरी के जेवरात चोरी करते थे वो कहाँ बेचते थे, ऐसा उन्होंने बताया? अभी इसमें पूछताछ जारी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।